नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप राजौरिया और स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरनेशनल लॉ के कुछ प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट वन आ चुका है, उसे आप देख सकते हैं, और ये पार्ट टू है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, चलिए डिस्कस करते हैं इनको। पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ब्रायन केलॉग पैक्ट वॉज साइंड इन पेरिस इन, तो कौन से ईयर में साइन हुआ था ये? आंसर इसका ऑप्शन बी सही है, 1928 में, 27 अगस्त 1928 को ये साइन हुआ था पैक्ट ब्रायन केलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉज पास्ड बाय, तो ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है ये किसके द्वारा पास किया गया? आंसर सही है ऑप्शन सी, यूएन जनरल असेंबली इन 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रूस इज, तो ट्रूस क्या है? तो दोस्तों, ट्रूस है एक एग्रीमेंट ऑफ सीज फायर, ऑप्शन ए सही है, यानी इफ अ पाकिस्तानी सिटीजन इज इन्वॉल्व इन काउंटरफीटिंग यूएस करेंसी, यूएस कैन क्लेम ज्यूरिसडिक्शन ओवर हिम ऑन बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ, तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी, ऑब्जेक्टिव टेरिटोरियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चार्ज्ड अफेयर्स अपॉइंटेड इन अ फॉरेन स्टेट हैज़ टू रिपोर्ट टू, ऑप्शन इसका सी सही है, फॉरेन ऑफिस, यानी कि क्वेश्चन इज चार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वॉज अडॉप्टेड इन, तो इसका आंसर ऑप्शन ए, रोम कॉन्फ्रेंस 1998 में चार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वॉज अडॉप्टेड, यह तभी अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनोसाइड कन्वेंशन 1951 प्रोटेक्ट्स द, ऑप्शन ए है इसका सही आंसर, स्मॉलर माइनॉरिटी ग्रुप, यानी कि ये जीनोसाइड कन्वेंशन है 1951 का, ये स्मॉल छोटे छोटे माइनॉरिटी ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सट्राडिशन मीन्स, तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, एक्सट्राडिशन का मतलब होता है, ऑप्शन सी सही है, एक्सचेंज ऑफ क्रिमिनल्स टू अदर स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कैन एक्सरसाइज इट्स ज्यूरिडिक्शन ऑन, तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, जब ऑल पार्टीज जब कंसेंट होती है, यानी सारी पार्टियों की सहमति होती है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपना एक्सरसाइज कर सकता है ज्यूरिडिक्शन। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द मोड्स ऑफ एक्वायरिंग स्टेट टेरिटरी इज, यानी कि एक तरीका जिससे स्टेट की टेरिटरी को एक्वायर किया जा सकता है, वो है ऑप्शन बी सही है, ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीएम्बल टू द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स वॉज अडॉप्टेड ऑन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 दिसंबर 1948, इस दिन यह प्रीएम्बल जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स है उसकी प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट ऑफ इनोसेंट पासेज मीन्स, तो यानी कि इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, राइट ऑफ अ फॉरेन मर्चेंट शिप टू पास अनहिंडर्ड थ्रू द टेरिटोरियल सी ऑफ द कोस्ट, यानी कि जो टेरिटोरियल सी है उससे जो बिना किसी बाधा के फॉरेन मर्चेंट शिप को पास होने देना ही इनोसेंट पासेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द बेसिक फ्रेम वर्क फॉर द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रीटीज वॉज डिफाइंड इन द, इसका आंसर ए सही है ऑप्शन, वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज 1969 में जो बेसिक फ्रेमवर्क है कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर का जो ट्रीटीज का वो डिफाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विदड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन इज मोर इजीली अचीव्ड विद रेस्पेक्ट टू, तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, डिफेक्ट रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द इंटरनल वाटर्स ऑफ अ स्टेट, यानी कि स्टेट के इंटरनल वाटर वो वाटर हैं जो, तो इसका ऑप्शन ए सही है, फाउंड ऑन द लैंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्ट लाइन फ्रॉम विच द टेरिटोरियल सी इज मेजर्ड, यानी कि जहाँ से टेरिटोरियल सी जो मेजर किया जाता है उसके अंदर की साइड में, लैंड की साइड में जो पानी मिलता है, जो भी पानी के स्रोत हैं, जल के स्रोत जैसे नदियाँ हैं, तालाब, झील, जो सारे वो इंटरनल वाटर्स माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ ओपन सी वॉज एलेबरेटेड बाय, यानी कि जो डॉक्ट्रिन है ओपन सी का वो किसने एलेबरेट किया, तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, ग्रोसियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 ऑफ 1982 कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी द ब्रेथ ऑफ द टेरिटोरियल सी इज, यानी कि जो टेरिटोरियल सी है, यानी कि समुद्र किसी देश की तटी की भौगोलिक सीमा से बाहर जो उसकी समुद्री सीमा होती है उसकी सीमा कितनी है, यानी कितनी चौड़ाई तक समुद्री सीमा उस देश की होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, 12 मील तक, यानी कि भौगोलिक सीमा से 12 मील आगे तक उस देश की समुद्री सीमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द टर्म मैन ऑफ वॉर सिग्निफाइज, तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, अ वॉरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ जजेस कंस्टिट्यूटिंग द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर, तो यानी इन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें कितने नंबर ऑफ कितने जजेस होते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, 15 जजेस होते हैं, और इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो 9 साल के लिए होता है दोस्तों, जिसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली मिलके करती है अपॉइंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
टेरा नलियस मीन्स, तो टेरा नलियस का मतलब होता है दोस्तों टेरिटोरी दैट बिलोंग्स टू नो स्टेट, यानी कि ऑप्शन सी सही है इसका। अगला है द एक्रोनिम WMD स्टैंड्स फॉर, तो WMD का मतलब होता है ऑप्शन बी सही है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अगला क्वेश्चन है हॉट परस्यूट इज द प्रिंसिपल डिजाइन टू इंश्योर, यानी हॉट परस्यूट वो प्रिंसिपल है जो यह है इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो क्या सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है देखते हैं ऑप्शन में, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है, क्या है देख लेते हैं, वेसल्स वायलेटिंग रूल्स ऑफ कोस्टल स्टेट कैन नॉट एस्केप पनिशमेंट बाई फ्लीइंग टू हाई सीज, यानी ये कह रहा है कि समुद्र सीमा में अंदर जाने पर जो भी वाहन हैं, जो भी समुद्री जहाज हैं, सिप हैं, वो अगर किसी कोस्टल स्टेट के रूल्स को वायलेट करते हैं तो सजा से बच नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पायरेसी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सी कन्वेंशन 1982, यानी कि लॉ ऑफ सी कन्वेंशन 1982 के अनुसार पायरेसी क्या है, तो पायरेसी है दोस्तों ये ऐसा कोई इलीगल एक्ट बाय क्रू ऑफ प्राइवेट शिप ऑन द हाई सीज, यानी कि समुद्री सीमा में किसी प्राइवेट शिप के क्रू के द्वारा किया गया, किसी शिप के किसी मेंबर के द्वारा किया गया कोई इलीगल एक्ट जो है वो होता है पायरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द जनरल असेंबली ऑफ UN इज, तो जो UN की जनरल असेंबली है उसके बारे में कहा गया है, इनमें से कौन सा कथन ज़्यादा सही रहेगा, तो मोस्ट पावरफुल ऑर्गन तो ये नहीं है, सुपरवाइजरी बॉडी, तो दोस्तों यह सही ऑप्शन बी सही है इसका, जो जनरल असेंबली है वो एक सुपरवाइजरी बॉडी है UN की। और अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द एमिकेबल मीन्स ऑफ सेटलिंग स्टेट डिस्प्यूट इज, तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए कॉन्सिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द बल्क ऑफ द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ आर डिराइव्ड फ्रॉम, यानी कि कई बहुत सारा भाग जो इंटरनेशनल लॉ के रूल्स हैं उनका बहुत सारा भाग कहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर सही ऑप्शन सी कस्टम्स जो हैं उनसे लिया गया है, जो भी पहले से देश आपस में जो बर्ताव करते थे उनका आपस में जो लेन देन रहता था उसके हिसाब से ही इंटरनेशनल लॉ के रूल्स बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन इज द प्रोटेक्शन विच अ स्टेट गिव, यानी डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन वो प्रोटेक्शन होता है जो एक स्टेट देता है, इसका ऑप्शन बी सही है, एक स्टेट अपने डिप्लोमेटिक इन्वॉइस को जो प्रोटेक्शन देता है उसको डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्टा संट सर्वांडा इसका मतलब क्या है, तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स आर टू बी रेस्पेक्टेड, इसका मतलब दोस्तों यह है कि जो स्टेट्स के बीच में जो एग्रीमेंट किए गए हैं उनका सम्मान करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्रियन केलोंग पैक्ट वॉज मीन टू, यानी कि जो व्रियन केलोंग पैक्ट है इसका मतलब है, इसका मतलब क्या था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, डिनाउंस वॉर एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट, यानी कि जो डिस्प्यूट हैं उनको सेटल करने के लिए वॉर का डिनाउंस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया वॉज साइंड इन, तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया जो है वो कब साइन की गई, तो इसका आंसर सही है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन में कोई भी सही नहीं है, तो नन ऑफ दीज होगा, ऑप्शन डी सही होगा, यानी इन तीनों डेट्स में से कोई नहीं है। इसका सही आंसर है जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया साइन हुई थी वो 1648 में साइन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, 1922 में एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंकन हाई कमिश्नर इन इस्लामाबाद इफ़ फाउंड इन्वॉल्व इन अ सीरियस क्राइम इन पाकिस्तान कैन बी, यानी कि अगर श्रीलंका का हाई कमिश्नर जो है वो इस्लामाबाद में अगर कोई सीरियस क्राइम करते हुए पकड़ा गया है मिला है तो उसका क्या, उसके साथ में क्या होगा, ऐसा पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा, आस्क टू लीव द कंट्री बाय द लोकल अथॉरिटीज, यानी कि जो वहाँ की लोकल अथॉरिटी होंगी वो कहेंगी कि तुम देश छोड़ के चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस वॉज रिटन वाई, तो जो लॉ ऑफ वॉर एंड पीस है वो किसके द्वारा लिखी गई, ऑप्शन सी ग्रोसियस के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वॉज एन आउटकम ऑफ, यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वो किसका आउटकम है, किसका परिणाम है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी हेग कन्फ्रेंस 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीडर ऑफ पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट वॉज, यानी कि जो पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट है उसका लीडर कौन है, कौन था सॉरी, तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, विंकरसॉक, ये थे इसके पॉजिटिव स्कूल के जो थॉट है उसके लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रावेंट मीन्स, तो कॉन्ट्रावेंट्स का मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर सही है ऑप्शन ए, थिंग्स यूजेबल इन वॉर बाय वन पार्टी अगेंस्ट द अदर, यानी कि वे चीज़ें जो एक युद्ध में एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी के विरुद्ध यूज की जाती है उनको कॉन्ट्रावेंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टिनेंटल सेल्फ द कोस्टल हैज, तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, द एक्सक्लूसिव राइट ओवर ऑल रिसोर्सेज, यानी कॉन्टिनेंटल सेल्फ में जो कोस्टल स्टेट होती है, ऑप्शन यहाँ पर स्टेट रह गया है दोस्तों, तो जो स्टेट होती है कोस्टल स्टेट उसका जो राइट होता है वो एक्सक्लूसिव राइट होता है सारे रिसोर्सेज पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वियना कन्वेंशन
ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज वॉज साइंड इन, यानी वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज साइन हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, 1969 में हुआ था यह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है टेरिटोरियल सी ऑफ अ कोस्टल स्टेट इज, यानी कि जो टेरिटोरियल सी होता है कोस्टल स्टेट का वो, इसका ऑप्शन बी सही होगा, ओपन फॉर इनोसेंट पासेस फॉर ऑल एक्सेप्ट द फिशिंग शिप्स, यानी कि फिशिंग शिप्स के अलावा जो इनोसेंट पासेस होता है उन सबके लिए ओपन होता है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैवर्टिज इज, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो कैवर्टिज होता है वो होता है इंटरकोर्स बाय सी बिटवीन टू पोर्ट्स ऑफ द सेम स्टेट, यानी एक ही स्टेट के दो पोर्ट्स के बीच का जो रास्ता होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ जस्सोली, तो प्रिंसिपल ऑफ जस्सोली का मतलब क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, ग्रांटिंग नेशनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, यानी जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता देना ही प्रिंसिपल ऑफ जस्सोली है आंसर। यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉज पास्ड इन, तो यह पास कब हुआ था, इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, 10th of December 1948 को पास हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। री म्यूनियर एंड री कैस्टनी केसेस आर टेस्ट केसेस फॉर, इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा, एक्सट्रैडिशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज साइंड बाय द यूएस प्रेसिडेंट आर सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन बाय द यूएस, तो दोस्तों यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हैं वो जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज को साइन करते हैं वो पुष्टि कर देनी चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए बाय द यूएस, तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही, यूएस का जो सेनेट है उसको 2/3 majority के द्वारा अपना समर्थन देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राइस कोड्स क्या है, तो प्राइस कोड्स दोस्तों एक तरह के इंटरनेशनल कोड्स होते हैं जिनमें युद्ध के समय जो समुद्री शिप वगैरह होती हैं या फिर कोई सामान होता है वो कैप्चर कर लिया जाता है तो उसके बारे में निर्णय लिया जाता है, वो प्राइस कोड्स होता है। तो दोस्तों ये तो था इस पार्ट का अंत, आई होप कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लगेगा, आपके काम का रहे, और इस तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच।